गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। गुड मॉर्निंग गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ये व्लॉग मैंने 31 अगस्त की मॉर्निंग में स्टार्ट किया है। आज है गणेश चतुर्थी, तो बप्पा के लिए मोदक ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बार मैंने थोड़े स्पेशल वेजिटेबल मोदक बनाए, उस जिसके लिए आपको एक सॉफ्ट लौकी चाहिए उसका ग्रीनिश पार्ट ही लेना है, बीच का सेक्शन नहीं लेना है। और कोशिश करें लौकी सॉफ्ट हो, ताज़ी हो। फाइन ग्रेटर से उसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। और ये जो लौकी का ग्रेटेड पानी है इसको फेंकेगा नहीं, इसको आप दाल में डाल सकते हैं, इसे आटा सानते हैं। और एक मोटे तले का पैन लेके उसमें ओनली 1 टेबल स्पून घी में ग्रेटेड लौकी को अच्छे से सौते करिए, फिर उसको 2-3 मिनट ढक के पका लीजिए। फिर मैंने उसमें 1/2 कप दूध डाला है। दूध में लौकी का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दूध डाल के थोड़ा मिक्स करके इसको ढक दीजिए। कुछ टाइम के बाद देखेंगे जब आपका दूध थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाएगा एंड लौकी सॉफ्ट होगी, तब उसमें हम 1/2 कप शुगर डालेंगे। 1/2 कप शुगर मतलब 8 स्पून ऑफ शुगर यू कैन से। उसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है, दूध डाल के ढक के पकाना है एंड शुगर डाल के ओपन लिड ही पकाना है। फिर मैंने सेम क्वांटिटी में कोकोनट पाउडर डाला है 1/2 कप, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। देन फिर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने 1/2 कप ही लिया था, बट इसको 1/1 स्पून ही डालिएगा एंड अच्छे से मिक्स करते रहिएगा। उससे आपको पता चलेगा लौकी कितना मिक्स मिल्क पाउडर एब्जॉर्ब कर रही है एंड आपको उतना कंसिस्टेंसी में चाहिए कि वो पैन से अलग हो जाए बैटर जो भी मटेरियल है बोधक का। मैंने टोटल 5-6 टेबल स्पून मिल्क पाउडर यूज किया था। उसके बाद देखिए ये पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और लास्ट में डालना है 1 टेबल स्पून घी ताकि ये अच्छे से इसमें और बढ़िया शाइन आ जाए और इसका फ्लेवर और बढ़ जाए। ये मोदक बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग भी अपने अपने घरों में आगे आने वाले गणपति के दिनों में ट्राई करिएगा और मुझे आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको और आपकी फैमिली में सबको। नेक्स्ट मोदक जो मैंने बनाया था वो था रसमलाई मोदक, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी घर का बनाया हुआ पनीर यूज़ किया था। उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके ऐसा फाइन पेस्ट बना लीजिए, एक प्लेट में निकाल लीजिए। इसमें आपको डालना है 1/2 कटोरी ऑफ मिल्क पाउडर एंड 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर। फिर एक मोटे तले के पैन में ओनली 1 टेबल स्पून घी डाल के ये सारा मटेरियल उसमें डाल दीजिए एंड इसको कंटिन्यूस मिक्स करते रहिएगा। थोड़ा सा भी अगर आप छोड़ेंगे तो इसमें नीचे लगने का चांस है, वाइट कलर रिटेन नहीं रहेगा। अभी देखिए इतना थोड़ा लिक्विड ही हो गया है, आप कंटिन्यूस चलाते रहिए विद इन 10-15 मिनट्स। ये देखिए पैन इसने छोड़ना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है एंड आपका रसमलाई मोदक का मिक्सचर रेडी। फिर इसको एक प्लेट में निकाल के इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के ठंडा करने के लिए रख दीजिए। देन मैंने ये मोल्ड लिया है मोदक बनाने के लिए। फर्स्ट मैंने लौकी का मोदक बनाया था। ये मोल्ड यूज़ करके थोड़ा काम आसान हो जाता है और इनके शेप भी बहुत प्यारे आते हैं। सेम तरीके से मैंने रसमलाई मोदक भी रेडी कर लिया। ये अब हमारे रसमलाई एंड लौकी मोदक रेडी हैं बप्पा के लिए। मोदक रेडी, बप्पा रेडी। आइए देखते हैं हमने अपने बप्पा को कैसे स्थापित किया। गणपति बप्पा। 2 सालों से ध्रुवी के लिए हम पापा का चूहा अलग से बनाते हैं, उसको ऐसे हाथ में लेके चलना बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र का ये फेस्टिवल हम सबको बहुत पसंद है। हमें टोटल 6 साल हो गए हैं पापा रखते हुए। पहले साल हम भी बाहर से लेके आए थे, उस साल हम अपनी सोसाइटी के एक फ्रेंड के यहाँ गए थे, वो अपने हाथ से पापा बनाते हैं। तभी से मुझे पता चला कि लोग अपने हाथ से भी मिट्टी के पापा बनाते हैं, क्योंकि वैसे मार्केट में ज़्यादातर POP के मिलते हैं।
गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति बीच में हो रही है और तुम किसका नहीं सही है मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति गणपति बप्पा और इस बार हमने अपने बप्पा का लुक थोड़ा गुजराती बप्पा के फॉर्म में रखा है। उनको चनिया चोली पहनाई थी, उनके लिए वस्त्र फेटा जो ये सर में फैन जैसा रहता है, पगड़ी आप जिसे कह सकते हो, ज्वेलरी सब मैं अपना घर में अपने हाथों से बनाती हूँ ताकि जैसा आपका मन है आप वैसा बप्पा को डेकोरेट कर सकें। ॐ श्री गणेशाय नमः आसनं समर्पयामि। ॐ श्री गणेशाय नमः पाद्यं समर्पयामि। ॐ श्री गणेशाय नमः आचमनं समर्पयामि। ॐ श्री गणेशाय नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। अच्छे से स्थापना करके ध्रुवी एंड अंशुल ने बप्पा को भोग लगाया और फिर उसके बाद हमने आरती करी। भोग बनाने का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था और शूट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है खाना बनाने में। तो आज मैंने महाराष्ट्रन स्टाइल का भोग बप्पा को लगाया था जिसमें थी पूरन पूली वरण भात मोदक आलू की सब्जी। शाम के टाइम की आरती मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम लाइट चली गई थी। शाम को मैंने बनाया था मिसल पाव पूरन पूली आलू का पराठा। ये था हमारे बप्पा का रात का भोग महाराष्ट्रन स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये बप्पा का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसे खूब शेयर करें, लाइक करें एंड कौन सी रेसिपी आपको दोनों मोदकों में से अच्छी लगी उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बप्पा के सेकेंड डे के ब्लॉग। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, सी यू सून। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। बप्पा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।